हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित अरोड़ा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर 50 को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई जाएगी और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमें बेसिकली तीन कंपोनेंट इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक तो है नोड JS, दूसरा है NPM और तीसरा है एंगुलर CLI। CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये तीन चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और नोड JS के बारे में हमें इंस्टॉल करना। नोड JS को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल में नोड JS डाउनलोड लिखेंगे और इस पर एंटर प्रेस करने के बाद जो भी सबसे पहला लिंक उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये साइट खुली हुई आएगी जिस टाइप के वर्जन दिखाई देंगे। एक में लिखा होगा LTS और एक में लिखा करंट। तो LTS आपको जो कि रिकमेंडेड है इसे डाउनलोड करना है। अगर आप विंडो के हैं तो विंडो में इंस्टॉल कीजिए, मैक के हैं तो मैक इंस्टॉल कीजिए और कोई और सोर्स कोड को डाउनलोड करना है तो सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट वाला जो वर्जन होता है वो लेट होता है, जिसके अभी टेस्टिंग चल रही है, लेटेस्ट वर्जन है जिसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप हैं तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है मैं कहूँगा कि आप उसे ही टेस्टेड है और हम भी उसी को डाउनलोड करके उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करता हूँ। डाउनलोड होने के लिए ये आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। तो आप फोल्डर में से इंस्टॉल करना है, आप इसे डाउनलोड लीजिए। तो डाउनलोड्स के फोल्डर में ही मैं डाउनलोड कर रहा हूं और मैंने एक्चुअली पहले से ही ये डाउनलोड कर रखा है, तो यहां पर मैं अभी डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं कैंसिल के बटन में दबाऊंगा और आप चाहे तो इसे इंस्टॉल कर। तो मैंने कैंसिल कर से और मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। अब जो डाउनलोडेड फाइल है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपके सामने एक ये विंडो आएगी जिस पे लिखा है नोड JS और इस पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये लाइसेंस के बारे में पूछेगा तो आपको ये लाइसेंस के लिए एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और ये फोल्डर पूछेगा किस फोल्डर में इंस्टॉल करना है। जो ऑटोमेटिकली आ रहा है उसी पर इंस्टॉल कर दीजिए, आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और सबसे पहले ये नोड JS के बारे में पूछेगा कि नोड JS को इंस्टॉल करना है। हाँ, तो सिर्फ यही कंपोनेंट इंस्टॉल करना है और किसी कंपोनेंट पे क्लिक नहीं कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पूछेगा ये कि कोई और टूल इंस्टॉल है, तो हमें कोई भी टूल इंस्टॉल नहीं करना, आप सिर्फ नेक्स्ट पे बटन पे दबा कर आगे आ जाइए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, तो फिनिश आप कर दीजिए। इतना इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम पे दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई है, नोड JS भी और NPM भी। इसको चेक करने के लिए हम CMD खोल लेते हैं। CMD मैंने यहाँ पे क्लिक किया CMD और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ओपन कर दीजिए और यहाँ पर जाके आप चेक करेंगे कि आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे नोड -V, तो इससे हमें ये बता देगा कि वर्जन इंस्टॉल हो गया कि नहीं। ये -V का मतलब होता है वर्जन। तो नोड को हम चेक कर रहा, तो हमारा 18.14.4 वर्जन जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर हम NPM चेक करना है तो NPM -V, तो इस तरीके से आप -V लगा के NPM का वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि NPM इंस्टॉल हुआ कि नहीं। NPM का भी वर्जन 9.3.1 इंस्टॉल हो चुका है। तो यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर नोड JS एंड NPM दोनों के दोनों आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें इंस्टॉल करना है बेसिकली एंगुलर। सिंपली गूगल में जाकर आपको टाइप कर देना है एंगुलर CLI। एंगुलर CLI लिखते ही जो भी आपकी फर्स्ट लिंक आए उस फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेंगे। फर्स्ट लिंक को ओपन करने के लिए इसकी साइट जो खुल जाएगी इसमें ऑल CLI यानी कि एंगुलर से रिलेटेड सारी रिकमेंडेशन यहाँ लिखी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको जो कमांड अब इंस्टॉल करनी है एक्चुअली ये है
CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, CLI का फुल फॉर्म भी यही होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो एंगुलर का एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, फिर इसको हम कमांड्स को इंस्टॉल करने के लिए, इसकी कमांड है, ये कमांड यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, यही कमांड आपको CMD में जाकर टाइप करनी है। तो आकर आइए चलते हैं वहाँ CMD में जाकर इसका हम टाइप करते हैं, क्या लिखना है हमें, NPM, क्योंकि NPM ही जो है ना वो इंस्टॉल करेगा ये, यहाँ पे लिखना है NPM install माइनस जी एट द रेट एंगुलर स्लैश CLI, बस ये आप प्रेस कर दीजिए और इससे हमारा एंगुलर CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस स्टोर हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो हमने अब तीन चीज़ें इंस्टॉल कर ली, नोड भी हमने JS भी इंस्टॉल कर लिया, NPM भी हमने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर हमने एंगुलर भी इंस्टॉल कर, सॉरी मैंने कमांड जो है वो गलत लिख दी थी, तो लिखना है NPM, मैंने इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत थी, थोड़ा बुढ़ापा आता जा रहा है, इंस्टॉल ये लिखना था, इंस्टॉल माइनस जी एट द रेट एंगुलर एट द रेट CLI। तो आप सही कह रहे हो कि बुढ़ापा आता जा रहा है, क्योंकि इंस्टॉल की स्पेलिंग में ही अगर हम गड़बड़ कर देंगे तो भैया कैसे इंस्टॉल होगा। तो ये अब पॉज कर देता हूँ, मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा समय लगेगा इसमें इंस्टॉल करने में, चल रहा है ये। आपका इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे लिखा रहा है एडिट 225 पैकेजेस इन 3 मिनट्स, तो यहाँ कुछ टाइम लगा जिससे ये इंस्टॉल हो चुका है, आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आपको लिखना होगा ng वर्जन, तो चेक करना है कि क्या एंगुलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये ng वर्जन इसकी कमांड है, इससे ये वर्जन चेक करेंगे हम कि क्या है। देखिए यहाँ पर एंगुलर का वर्जन जो है वो 15, एंगुलर 15.1 इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ रहा है 18 और नोड का ये आ रहा है। तो अब कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इंस्टॉल हुआ है वो 15 वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। दिस PC यानी कि सी ड्राइव में एक अपना नया फोल्डर बना लीजिए, सी ड्राइव में जाइए और एक नया फोल्डर बना लीजिए, जिससे हम नया प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो इसी फोल्डर में बनाएंगे। यहाँ पे जाइए, न्यू में जाइए और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, ये हमने फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम लिख दिया माई एंगुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमने इसका नाम लिख दिया माई एंगुलर प्रोजेक्ट। इस पर डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर आ जाइए, यहाँ पर से अब हमें CMD ओपन करना है, जहाँ पे हम CMD पे सारा वर्क कर रहे थे, तो यहीं पे CMD टाइप कर दीजिए ऊपर यहाँ पर और एंटर प्रेस कर दीजिए, ये अपने आप CMD खुल जाएगी और आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये एंट्री हो गई आपकी। अब यहाँ पर आपको एंगुलर की पहली ऐप बनानी है जो कि माई एंगुलर प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर बनानी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू ऐप, जब भी डिज़ाइन करते हैं उसके लिए कमांड क्या है, ng न्यू ऐप का नाम, जो भी आप ऐप का नाम लिखना चाहो, माई ऐप, तो मैंने ये माई ऐप लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एंगुलर की एक नई ऐप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर क्रिएशन के लिए कुछ आपके पास मैसेजेस आने वाले हैं, वो देखिए, ये मेरी न्यू ऐप तैयार हो चुकी है। अब जो न्यू ऐप बनाई है उसी फोल्डर के अंदर आपको जाना है, मैंने जो न्यू ऐप बनाई है अब उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी CD MM माई ऐप, ये मेरी फाइल फोल्डर का नाम है, तो मैं अपने फोल्डर के अंदर पहुँच गया।
अब यहाँ पर जाने के बाद मुझे बेसिकली इस सारी कोडिंग जो करनी होगी वो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू करूँगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने के लिए यहाँ से डायरेक्टली एक कमांड लिखी जाएगी, कोड स्पेस लगा के डॉट, ये प्रेस करेंगे तो विजुअल स्टूडियो डॉट जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो रहा है, जब तक कि विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है यहाँ पर देखिए ओपन हो गया, ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। मेरी ऐप का नाम था एम माई ऐप, तो इस ऐप के अंदर जो है हम आ गए हैं। यहाँ पर कई सारे कोड अवेलेबल हैं, SRC के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो ऐप बनी है इस ऐप के अंदर ही हमारे बेसिकली कंपोनेंट होंगे। हम इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो ऐप तैयार हुई है वो कैसे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारी ऐप का नाम क्या है? माई ऐप। तो आगे चला के देखते हैं, ऐप को रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए पहले आपको जाना है टर्मिनल में, यहाँ से जाइए और यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। ये टर्मिनल ओपन हो गया, यहाँ टर्मिनल जब भी आएगा तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, यानी कि CMD। आप चाहें तो यही कमांड आप यहाँ पीछे से भी चला सकते हैं। आपको कमांड चलानी है अब ngserve, चाहे तो यहाँ पर लिख दें ngserve और एंटर प्रेस कर दें, या फिर जो हमारा अभी विजुअल स्टूडियो खोला है उसके अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे। यहाँ से जाइए, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक करेंगे, ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, यहाँ पे जाके आप लिख देंगे ngserve और एंटर प्रेस कर दें। ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको यहाँ पर जो ये HTTP लोकल होस्ट लिखा हुआ है इसे आप कॉपी कर लीजिए इस स्टेटमेंट को, तो ठीक है ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इस स्टेटमेंट को कॉपी करने के बाद हमने ब्राउज़र को ओपन किया। ब्राउज़र आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र भी हो सकता है, ब्रेव ब्राउज़र भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र हो। मैंने यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र खोल रहा हूँ। इस ब्रेव ब्राउज़र में जो हमने यहाँ पे ये लोकल होस्ट वाला ये कॉपी किया है इस पर क्लिक करके जैसे ये ब्रेव ब्राउज़र ओपन हो जाए यहाँ पर आपने वो कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका जो भी ऐप आपने तैयार करी थी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो एंगुलर बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है आपके सिस्टम पे, ये इसका प्रूफ है। यानी कि यहाँ पर वो ऐप का नाम लिखा हुआ आएगा जो आपने ऐप क्रिएट करी थी, MMMY कैप इज़ रनिंग। तो आपकी ऐप जो है वो रन हो रही है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने हो, जैसे कि माई ऐप है ये चेंज करना हो कि यहाँ पे आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जाइए यहाँ पर TS में app.component.ts जो यहाँ टाइटल लिखा है यहाँ पर टाइटल को आप चेंज कर दीजिए और टाइटल में यहाँ पर लिख दीजिए आप माई फर्स्ट ऐप, ये लिख दिया। इसी को आप जाके वहाँ पर देखेंगे, जाके चेंज करेंगे। आप देखिए ये कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब जाके आप ब्राउज़र में जाके खोलेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर ये चेंजेस नज़र आएंगे, यानी कि आपका जो ये ऐप है ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। बच्चों अब हमारा इंस्टॉलेशन भी हो गया दोनों का, एंगुलर का और नोड का, और हमने फर्स्ट ऐप भी बनानी सीख ली है। अब आते हैं, चलते हैं हम FAQ ऑफ इंटरव्यूज। FAQ मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू चेक द वर्जन, ठीक है। तो किस तरीके से हम वर्जन चेक करेंगे, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, आप यहाँ आ जाइए इस वर्जन में। आप अगर नोड का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो लिखेंगे नोड -V, ये तो है नोड का वर्जन चेक करना, क्या आया 18। NPM का वर्जन चेक करना हो तो npm -v, ठीक है ये लिख दीजिए। NPM का वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, ये NPM का वर्जन आ गया 9.3। और अगर आपको वर्जन चेक करना है CLI का, एंगुलर का, तो आप लिखेंगे NG वर्जन। ध्यान रखना है इसमें माइनस वी नहीं लिखना है, इसमें वर्जन लिखना है। तो आपको NG यानी कि एंगुलर का सारा वर्जन दिखा दे, देखिए ये एंगुलर का वर्जन दिखा दिया, लिखा हुआ आया एंगुलर CLI और ये सारे स्टेटमेंट, यानी कि एंगुलर CLI का जो वर्जन है 15.16 है, ठीक है। तो ये एंगुलर का वर्जन है। सेकंड क्वेश्चन आता है कैन वी इंस्टॉल एंगुलर इन एनी फोल्डर। एक्चुअली हम किसी फोल्डर में एंगुलर को इंस्टॉल नहीं करते हैं,
जब भी हमने एंगुलर इंस्टॉल किया था तो याद होगा हमने कमांड लिखी थी एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए npm माइनस जी, ये कमांड लिखी थी माइनस जी, तो जी मीन्स होता है ग्लोबल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा था हमने एट द रेट एंगुलर स्लैश cli, ये हमारे पास कमांड थी जिसमें हमने माइनस जी यूज किया था, तो माइनस जी का मतलब ग्लोबल। तो आप इसे किसी फोल्डर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप इसे ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे जिससे आप किसी भी फोल्डर से इसे एक्सेस कर पाओ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कमांड थी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेंज द वर्जन, अगर हमें वर्जन चेंज करना हो तो क्या करें। अभी हमने डायरेक्टली अगर हम ये कमांड लिखते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी हमारा वर्जन था np। अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना हो तो इस कमांड के साथ आप एट द रेट 10, अगर वर्जन 10 इंस्टॉल करना है, 11 अगर 11 इंस्टॉल करना है, 12, तो यहाँ पर जो भी आप डिजिट लिख दोगे वही वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी वर्जन को इंस्टॉल करना हो अगर, तो यहाँ पर cli के बाद एट द रेट लगा के आप उस वर्जन का नंबर डाल दीजिए, पूरा वर्जन लिखना है आपको, जो भी वर्जन का नंबर हो आपको पूरा वर्जन लिखना है, ठीक है, इससे वो वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। हाउ टू इंस्टॉल मोर देन टू वर्जन्स, मोर देन वन वर्जन या मोर देन टू वर्जन, अगर मोर एक से ज़्यादा वर्जन अगर आपको इंस्टॉल करने हो तो क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए एक npm आता है, यानी कि जैसे कि npm है वैसे ही npm आता है। npm मतलब नोड वर्जन मैनेजर, गूगल पे जाकर आप इंस्टॉल करेंगे npm, तो npm इंस्टॉल करोगे फुल वर्जन, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर करोगे तो यहाँ पे बेसिकली देखिए npm, ठीक है, नोड वर्जन मैनेजर, तो ये नोड का वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे आप, इससे आप मोर देन वन इंस्टॉल कर सकते हैं वर्जन्स को और उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हम और भी वीडियो लाने वाले हैं एंगुलर पे जिससे आप एंगुलर घर बैठे बैठे सीख सकते हो। थैंक यू सो मच।